हेलो डे स्टूडेंट्स आज हम आर्टिकल के चौथे हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जहाँ तक आपकी यूपीएससी की इंग्लिश ग्रामर का सवाल है या फिर आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर का सवाल है कैसे अब तक हम देख रहे थे कि कहाँ पर हमको ए यूज़ करना है कहाँ पर एन यूज़ करना है और कहाँ पर द यूज़ करना है इस चैप्टर में इस लेसन में हम सीखेंगे कि कहा पर हमें बिल्कुल भी कोई आर्टिकल नहीं यूज करना है कैसे हमें बिना आर्टिकल के भी वो जो बात हमारे सामने आ रही है उसको समझते आना चाहिए या फिर हमें खुद ऐसा लिखते आना चाहिए इसके लिए कुछ बातों का चयन किया गया है कुछ चीजें हैं जो आज हम देखेंगे कि आर्टिकल विथ प्रॉपर नाउन्स नो प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल कैसे आते हैं मैंने पहले आपसे कहा था कि जब भी हम कोई बात करेंगे कोई भी बात करेंगे और जो भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपके सामने आ रहा है इस डिस्क्रिप्शन में जो भी ग्रामेटिकल वर्ड्स है फॉर एग्जाम्पल ओके ग्रामर के जो भी वर्ड्स है जैसे प्रॉपर नाउन इज ए ग्रामर वर्ड तो ये प्रॉपर नाउन जो है ये आपको पहले पता होना चाहिए यू मस्ट नो वॉट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन मीन्स जो मेरा नाम है राज ज ए प्रॉपर नाउन एप्पल एप्पल अब प्रॉपर नाउन भी है और कॉमन नाउन भी है कैसे एप्पल यह एक फल का नाम है जो कॉमनली यूज किया जाता है और एप्पल मेरे बेटे का भी नाम है सो इन दिस रिगार्ड इट इज ए कॉमन नाउन एंड ऑल्सो इट इज अ प्रॉपर नाउन है सच तो प्रॉपर नाउन के साथ कैसे आर्टिकल्स uh, का इस्तेमाल होता है देखेंगे प्रॉपर नाउंस एज अ रूल एज अ रूल दे डो नॉट टेक डो नॉट टेक आर्टिकल जैसे मैं अपने लिए द राज या अराज या एन राजो एन राज्य भी नहीं कहूंगा लेकिन अ राज या फिर द राज का इस्तेमाल नहीं कर सकता राइट आई के नॉट टेक एनी आर्टिकल बिफोर माई नेम यू नो इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता है एज अ रूल जैसे कि शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट प्ले राइट नॉट यू no, नो दियर समुद्रगुप्त वॉज अ ग्रेट वॉरियर नॉट द समुद्रगुप्त ओके okay? लेकिन इफ अ प्रॉपर नाउन इज यूज एज अ कॉमन नाउन लेकिन जब इसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बोलकर यूज करना हम शुरू करते हैं इट मे टेक विद इट सम आर्टिकल्स फॉर एग्जाम्पल ही इज अ गुड प्ले राइट बट नॉट अ शेक्सपियर ही इज अ गुड प्ले राइट बट नॉट अ शेक्सपियर नॉट एज अ ग्रेट अ प्ले राइट एज शेक्सपियर तो वॉट डज शेक्सपियर हियर मीन्स शेक्सपियर डज मीन अ प्ले राइट सो प्ले राइट इज अ कॉमन नाउन और ये कॉमन नाउन के तौर पर इस सेंटेंस में यूज हुआ है और इसीलिए हम इसको क्या करें वी आर यूजिंग सम आर्टिकल विद इट अक्सपियर ऊपर के सेंटेंस में हमने शेक्सपियर को प्रॉपर नाउन के तहत लिया है इसीलिए इसे हम बिल्कुल भी कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते लेकिन यही शेक्सपियर जब कॉमन नाउन के तौर पर सेंटेंस में यूज हो रहा है एज अ सेंस तब हम इसको अ के तौर पर यूज करेंगे क्या क्या कहा मैंने ही इज अ गुड प्ले राइट बट नॉट अ सो वॉट डू आई मीन बाय असपियर ही इज अ गुड प्ले राइट बट नॉट एज ग्रेट अ प्ले राइट एज शेक्सपियर तो यहां पर मैं प्ले पर ध्यान देना चाहता हूं एंड इज अ कॉमन नाउन इसीलिए इसके पहले हमने अस अशेक्सपियर लिया या फिर हम वी कैन जस्ट गो फॉर दिस कालिदास इज़ द ग्रेटेस्ट इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास आपको पता है कालिदास यू नो जो बहुत ही जाने माने हैं यू नो नल और दमयंती की कहानी के लिए जाने जाते हैं माने जाते हैं तो so, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया तो अभी दस एक्सपियर ऑफ इंडिया कह दिया हमने यहां पर नो द शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया के तौर पर एज ग्रेटर प्ले राइट फॉर इंडिया एज शेक्सपियर फॉर इंग्लैंड यू नो मींस कालिदास इंडिया के लिए उतने ही महान नाटककार हैं जितने इंग्लैंड के लिए या पूरी दुनिया के लिए शेक्सपियर है सो यहां पर शेक्सपियर इज टेकन एज अ प्ले राइट एंड सो वी हैव टेकन हियर द कालिदास इज द ग्रेटेस्ट प्ले राइट लाइक शेक्सपियर सो हियर कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ द ग्रेट प्ले राइट ऑफ इंडिया शेक्सपियर डज नॉट मीन अ पर्सन प्रॉपर नाउन यहां पर शेक्सपियर का नाम हमने यहां पर महान नाटककार के तौर पर लिया है एंड सो वी हैव टेकन द आर्टिकल देयर द शेक्सपियर कालिदास इज इज द शेक्सपियर शेक्सपियर ऑफ इंडिया सो नॉट अ प्रॉपर नाउन शेक्सपियर ए प्रॉपर नाउन नहीं है इसमें लेकिन शेक्सपियर यहां पर प्रॉपर नाउन है एंड बिकॉज शेक्सपियर इज अ प्रॉपर नाउन हियर वी डू नॉट टेक एनी आर्टिकल कोई आर्टिकल हम यहां पर नहीं लेते हैं ऊपर के दो सेंटेंसेस में शेक्सपियर के लिए भी और समुद्रगुप्त के लिए भी क्योंकि दोनों सेंटेंसेस में वो एंड समुद्रगुप्त आर द प्रॉपर नाउंस बट इन द नेक्स्ट टू सेंटेंसेस शेक्सपियर इज यूज एज कॉमन नाउन फॉर द प्ले राइट क्लियर इस तरीके से हमें इसको देखना चाहिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि ग्रामर इज ऑल द थिंग ऑफ कंपेरिजन एनालिसिस इंटरप्रिटेशन लॉजिक इसके तौर पर ग्रामर को जब हम देखना शुरू करते हैं तो बड़े uh, मजे से हम इन चीजों को सीख सकते हैं एक बहुत ही मजेदार बात है कि जो लिटररी वर्क्स होते हैं साहित्यिक कलाकृतियां uh, जो होती है उनके पहले डो नॉट फॉलो एनी फिक्स रूल द टाइटल्स ऑफ लिटरे वर्क डोट फॉलो एनी वो कोई फिक्स रूल नहीं है इट इज मोर यूजल टू यूज द विथ दैम दो ऑकेजन इट मे भी ड्रॉप्ट बहुत यूजअल है कि लिट्रेरी वर्क्स के पहले द का इस्तेमाल करना लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो द भी ड्रॉप्ट हो जाता है जैसे द टेम्पेस्ट इज द ड्रामा प्ले रिटर्न बाय शेक्सपियर लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द इज ओमिटेड जैसे

नेम ऑफ अ लिटरे वर्क एंड टेम्पेस्ट इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ लिटररी वर्क तो पहले वाले लिटरेरी वर्क के पहले हमने क्या कर लिया है द को ले लिया है और दूसरे वाले लिटररी वर्क के लिए हमने द को नहीं लिया है सो इट इज इट डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड रूल एज सच और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये खत्म हो जाता है जैसे वैन शेक्सपिय द इज ड्रॉप बट वी डू राइट द टेम्पेस्ट ऑफ शेक्सपियर यू you नो know, कैसे लिखा है यहाँ पर शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट सो वी हैव नॉट रिटर्न शेक्सपियर्स कह रहे हम नो शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट विल डू यहाँ पर द को ड्रॉप कर दिया है लेकिन हमको द टेम्पेस्ट ऑफ शेक्सपियर ऐसे ही कहना पड़ेगा यू नो सो दिस इज पड़ेगाट वी जनरली टॉक अबाउट दिस थिंग्स ऑफ द यूज ऑफ द आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे आर्टिकल्स विद एब्रैक्ट नाउंस एंड अब्सट्रैक्ट आइडियाज वॉट इज अब्रैक्ट क्या है नॉट बी सीन सो अब नाउम आर देर जैसे ब्यूटी इज एन एबस्ट्रैक्ट नाउन ब्यूटी को देखा नहीं जा सकता इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ब्यूटी इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया अगर आपके दिमाग में ब्यूटी को लेकर सिर्फ किसी खूबसूरत चेहरा है इफ देर इज अ ब्यूटीफुल लेडी आईज सच और ब्यूटीफुल फ्लावर और ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट और ब्यूटीफुल प्लेस इसके अलावा भी ब्यूटी है सो इट इज़ वेरी एब्स्ट्रैक्ट इट इज़ इन द माइंड यू के नॉट से ब्यूटी मीन्स दिस इज़ ब्यूटी इसके लिए बहुत ही अच्छी कहानियाँ बताई गई हैं जब गौतम बुद्ध से आम्रपाली मिलने चली गई यू you नो know, और चले जाने के बाद वो अपनी खूबसूरती से उनको लुभाना चाहती थी तो बुद्ध ने उनको एक दर्शन दिया था ऐसा कहा जाता है जबकि बुद्ध चमत्कारों में विश्वास नहीं रखते हैं फिर भी कहानियों में जातक कथाओं में ये चीज़ें आपके सामने आती हैं और उन्होंने दर्शन दिया था क्या दर्शन दिया था कि बुद्ध जैसे बहुत सौ डेढ़ सौ साल के होने के बाद कैसे दिखेंगे या वो कैसे दिखेगी इसका बुद्ध ने उनको दर्शन कराने के बाद अम्रपाली जो कि एक गणिका थी राजा की गणिका थी तो उन्होंने फौरन ही फिर बुद्ध के शरण में जाकर उनसे दीक्षा हासिल कर ली दीक्षा ले ली सो ब्यूटी इज अ वेरी मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि किसी भी वर्ड की तरफ आप देखने का आपका अपना एक नजरिया होना बहुत जरूरी है सो ब्यूटी इज अनेस्टी यू के नॉट शो ऑनेस्टी इट इज वेरी ऑब्स्ट्रैक्ट वेरी अब्सट्रैक्ट इट इज ऑनेस्टी इज एन अब्सट्रैक्ट ब्यूटी इज अ Abstract term. इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो वी डी नॉट टेक एनी आर्टिकल बिफोर दर क्या कहा जा रहा है मीनिंग ऑफ एन अब्सट्रैक्ट नाउन नाउन का जो मीनिंग है मीनिंग ऑफ एनस्ट्रैक्ट नाउन यू नो डेट इज रेस्ट्रिक्टेड टू अटिकुलर पर्सन और डेफिनेटिकुलर पर्सन दट इज नूर जहान और इसीलिए इस द्यूटी के, के पहले क्या आ गया द ब्यूटी ऑफ नूर जहान आ गया बिकॉज नूर जहान इज अ प्रॉपर नाउन इज अ पर्टिकुलर थिंग पर्टिकुलर पर्सन और इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए जब एबस्ट्रैक्ट नाउन यूज किया जाता है नाउन यूज किया जाता है सो बिफोर दैट वी यूज द आर्टिकल द सो व्हाट इज सेड हियर आई रीड इट वंस अगेंड फॉर यू व्हेन जब द मीनिंग ऑफ एन एब्सट्रैक्ट नाउन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग यूज द डेफिनेट आर्टिकल दैट और इसलिए द ऑनेस्टी ऑफ द ओल्ड सर्वेंट सो ओल्ड सर्वेंट इज वॉट अर्टिकुलर पर्सन नो क्या है, ये? है और ये जो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऑनेस्टी इज रेस्ट्रिक्टेड टू दिस पर्टिकुलर पर्सन इस पर्टिकुलर पर्सन को रेस्ट्रिक्ट किया गया है बिकॉज ऑफ दैट वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल बिफोर दिस ऑनेस्टी हमने यहां पर दोनों के लिए यूज नहीं किया है बिकॉज आप स्टेक नाउन्स डू नॉट जनरली टेक आर्टिकल्स एज सच आगे बढ़ेंगे एंड देन वी शैल सी थिंग्स ऑफ द शॉर्ट with material nouns when they are used in the general sense no they say gold is the uh, heaviest metal water is the source of life. So these are the materials. We do not use any article before them. but when particularized they take the definite article with them. the water of the Ganga again the same the water of the ganga no. तो गंगा के लिए वाटर को पर्टिकुलराइज किया गया है पर्टिकुलर वाटर पर्टिकुलर वाटर सो वी हैव टेकन देयर एस सच सो दिस इज वॉट वी से दैट अमिशन ऑफ आर्टिकल इज वॉट द नेम ऑफ द गेम आखिरी हिस्सा हम इसका देखने जा रहे हैं दैट वेन नाउन इज यूज इन द जनरल सेंस जब नाउन को जनरल सेंस में यूज किया जाता है दस अ मैन मीन्स सम वन मैन जब अ मैन हम बोलते हैं नो जब हम वेन वी से मैन इसका मतलब वन मैन ओके और एनी मैन एनी मैन और वन मैन वेन वी यूज द मैन नो द मैन मीन्स अ पर्टिकुलर मैन राइट बट वेन मैन डज नॉट टेक एनी आर्टिकल को भी नहीं लेता है और द को भी नहीं लेता है इट डज मीन ऑल मैन नो सो वेन अ मैन इट मीन्स वन मैन और एनी मैन वेन द मैन मीन्स अ पर्टिकुलर मैन बट वेन मैन कम्स विद देंस ऑफ कलेक्टिवली थिंकिंग द एंटायर ह्यूमन बींग्स ऑल मैन ऑल मैन सो वी कैन से man is a social animal man is a zoo political so there is a man standing at the gate koi do not know who exactly some man one man any man is standing at the gate when i say i do not know the man standing at the gate the man i am pointing out आई डो नॉट नो दैन वो आदमी जो गेट पर खड़ा है उसको मैं नहीं जानता आई डो नॉट नो दौन से आदमी को नहीं जानता द मैन स्टैंडिंग एट द गेट एंडल एनिमल एज सच मैन इज अटिकल इस तरीके से हम आर्टिकल्स का आज का हिस्सा खत्म करते हैं चार दिनों में हमने देखा है कि आर्टिकल्स का इस्तेमाल कैसे होता है या फिर नहीं होता है हाउ आर्टिकल्स आर यूज वॉट आर द रूल्स फॉर दैट और वैन वी शुड नॉट यूज द आर्टिकल्स एंड वेन वी डू नॉट यूज द आर्टिकल्स वॉट इज द रीजन बिहाइंड थिंग्स है टाइम यू आर गोइंग फॉर यूर एग्जामिनेशन और जब आप आपके एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वॉट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू नो आर्टिकल बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं बिकॉज इट इज अट क्रिटिकल नो इज टेक्निकल इट्स मॉट टेक्निकल एंड वेरी ऑफ्टन वी डो नॉट पे अटेंशन टू द स्मॉल थिंग्स ऑफ आर्टिकल्स और ग्रामर एज सच सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे लाइक करें कॉमेंट करें शेयर करें और सब सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले थैंक यू वेरी मच